जादुई टूटी हुई सिलाई मशीन और कैंची। गंगापुर नामक एक छोटे से गांव में दीनानाथ अपनी पत्नी और अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। दीनानाथ का एक छोटा सा सब्जी का व्यापार था। वो अपने खेत में उगी सब्जियों को बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी शांति उससे कहती है, सुनिए जी, अब से ना आप शाम को जल्दी घर आ जाया करिए, क्योंकि ठंड भी काफी बढ़ गई है और आप तो जानते ही हैं, जिस रास्ते से आप आते हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, अब से मैं जल्दी घर आ जाया करूँगा। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे लिए एक खाने का डिब्बा पैक करो, तब तक मैं खेत में जाकर कुछ सब्जियाँ तोड़ कर लाता हूँ। दीनानाथ खेत पर सब्जी तोड़ने चला जाता है। तभी जब दीनानाथ सब्जी तोड़ रहा होता है, उसे अचानक से एक जहरीला सांप डस लेता है और उसका जहर उसके शरीर में फैल जाता है। ये बात जब शांति को पता चलता है तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन जब तक दीनानाथ इस दुनिया से जा चुका होता है, दीनानाथ के दुनिया से जाते ही शांति का तो पूरा संसार ही उजड़ जाता है। उसकी दोनों बेटियां भी अभी काफी छोटी होती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब हम माँ बेटियों का क्या होगा? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? आप हमें ऐसे छोड़कर क्यों चले गए जी? हे भगवान। शांति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तभी शांति की नजर घर में रखे पुराने सिलाई मशीन पर जाती है। ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, मुझे अपनी बेटियों के लिए जीना होगा और उसका जीवन सुधारने के लिए काम करना होगा। ये सिलाई मशीन मुझे मेरी माँ ने दिया था, पर घर और बेटियों को संभालने में मुझे इसे चलाने का मौका ही नहीं मिला और इनके रहते मुझे कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर अब मुझे अपनी बेटियों के लिए काम करना होगा। ये सोच कर शांति सिलाई मशीन को साफ करके उस पे सिलाई करने बैठती है, लेकिन वो मशीन काफी दिनों से बंद होने की वजह से खराब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या, ये मशीन तो चल ही नहीं रही है। तभी उधर से शांति की दोनों बेटियां आती है और बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम दोनों के लिए खाने के लिए लाती हूँ, तुम यही बैठो। शांति अपने दोनों बेटी को खाना दे देती है और खुद भी खाने के लिए बैठती है। तभी उसके दरवाजे पर किसी बुढ़िया की आवाज आती है, बहुत भूख लगी है बेटी, कुछ खाने को दे दो। तुम मेरी मदद करोगी तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। इस बुढ़िया ने दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मेरी मदद करो। आइए आइए अम्मा, अंदर आ जाइए, ये लीजिए अम्मा, खाना खा लीजिए। इतना बोलकर शांति अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। अरे वाह बेटी, काफी दिनों बाद पेट भर खाने को मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटी, क्या मुझे और रोटी मिल सकती है? शांति कुछ बोल पाती तभी उसकी दोनों बेटी अपना अपना थाली का प्लेट उठाकर अम्मा को दे देती है। ये लीजिए अम्मा, आप ये खाना भी खा लीजिए। हाँ अम्मा, मेरा खाना भी खा लीजिए। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं तुम्हारी बेटी, लाओ लाओ जल्दी दो। लेकिन बेटा ये बताओ, मैं ये खाना खा लूंगी फिर आप क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, हम शाम को खा लेंगे, वैसे भी आप दो दिनों से भूखी हैं और इस वक्त आप हमारे घर की मेहमान हैं और माँ कहती है मेहमान को कभी भूखा नहीं भेजना चाहिए। उसके बाद वो बूढ़ी औरत खाना खा लेती है और शांति से कहती है, शांति बेटी तुम बहुत ही अच्छी हो और बहुत ही प्यारी और संस्कारी बेटी है तुम्हारी, भगवान तुम्हें खूब खुशियाँ दी। कैसी खुशियाँ अम्मा, भगवान ने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके बाद शांति अपने बारे में उस अम्मा को सब कुछ बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन विधि के उस विधान को कोई नहीं बदल सकता है, जो लिखा है वो होकर रहता है। पर बेटी, मैं तेरे लिए इतना जरूर कर सकती हूँ, ये लो ये जादुई जल है, इस जल को तुम अपने पुराने सिलाई मशीन पर छिड़क देना, जिससे तुम्हारा ये पुराना सिलाई मशीन जादुई हो जाएगा।
इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। शांति को उस बूढ़ी अम्मा के बात पर कोई यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो उनके कहे अनुसार जादुई मशीन पर वो पानी छिड़क देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों से बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटी, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, वरना मैं तुम लोगों के लिए फिर से खाना बना देती। काश घर में कुछ दिन का राशन और होता। शांति जैसे ही ये बोलती है वैसे ही उसके घर में राशन अपने आप आ जाता है। अरे ये क्या, यहाँ पर राशन कहाँ से आ गया? कहीं अम्मा की कही हुई बात सच तो नहीं? हे जादुई सिलाई मशीन, मेरी बेटियों के लिए अच्छा अच्छा खाना दीजिए। तभी वहाँ पर तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। ये देखकर शांति बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सिलाई मशीन, लेकिन मैं अब आपके जादू से और कुछ नहीं मांगूंगी। अब मैं इस सिलाई मशीन से सिलाई करके अपने मेहनत से पैसे कमाऊंगी, बस मुझे इस लायक बना के रखना। शांति के इतना कहते ही अपने आप ही अगले दिन से उसके घर के आगे सिलाई वाले कस्टमर की लाइन लग जाती है और गांव के सभी लोग शांति से ही अपने कपड़े सिलवाने लगते हैं। जादुई सिलाई मशीन की एक खासियत थी, उसकी सिलाई और फिटिंग बहुत ही कमाल की होती थी। और तो और, शांति अपने सिलाई का लोगों से बहुत ही कम पैसे लिया करती थी, जिससे हर कोई उसी से कपड़े सिलवाने लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहा था, तभी जब ये बात उसी गांव की बुटीक वाली प्रेमलता को पता चलता है तब वो आग बबूला हो जाती है। जब से ये 2 कौड़ी की विधवा कपड़े सिलना स्टार्ट की है तब से तो मेरा काम का सारा भट्टा ही बैठ गया है, मुझे इसका तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो गुस्से से शांति के घर आती है। क्यों रे शांति की बच्ची, आखिर तूने गांव वालों पर ऐसा कौन सा जादू बिखेरा है कि हर कोई तुझसे ही सिलाई करा रहा है? कहीं तू सिलाई के साथ साथ कुछ और काम तो नहीं कर रही? जवान संभाल के बात करो प्रेमलता, ये इज्जतदार लोगों का घर है। अरे जा जा, मैं सब समझती हूँ तेरी सच्चाई। जब पति था तब तो तेरे पास दाल रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, ऐसा था तो पहले क्यों नहीं सिलाई कर रही थी? मैं तुझ जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन हाँ मैं तुझ जैसी गंदी औरत को इस गांव में नहीं रहने दूंगी और गांव वालों को भी बताऊंगी कि तू कैसी औरत है। इतना बोलकर प्रेमलता शांति का सिलाई मशीन उठाकर पटक कर तोड़ देती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, हम मैं कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगी? शांति बैठकर रो रही होती है, तभी जादुई सिलाई मशीन में से आवाज आती है, रोना बंद करो शांति। शांति मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही नेक और समझदार लड़की हो, अगर तुम चाहती तो बिना सिलाई किए भी मेरी जादू से खूब सारे पैसे कमा सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें जाते जाते अपना ये जादुई अनोखा कैची तुम्हें देकर जा रही हूँ। इस जादुई अनोखे कैची को लेकर तुम यहाँ से दूर शहर चली जाओ और इस जादुई कैची से पैसे मांग कर अपना एक बुटीक खोलो और अपनी बेटियों के साथ वही शहर में रहो। जाओ शांति, तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है। उसके बाद शांति उस गांव को छोड़कर जादुई कैची और अपनी दोनों बेटियों को लेकर शहर आ जाती है और जादुई कैची से पैसे मांगकर वहां अपना एक खुद का घर बनाती है और बुटीक खोलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। बूढ़ी माँ की जादुई झाड़ू। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में कौशल्या नाम की एक औरत अपने 2 बच्चे कुसुम और अजय के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। कौशल्या का परिवार बहुत ही गरीब था, क्योंकि कौशल्या के पति के देहांत के बाद अपने दोनों बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी कौशल्या के ही कंधों पर आ जाती है और इसलिए वो अपना घर चलाने के लिए गांव के मुखिया किशोर के यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। लेकिन किशोर की पत्नी कल्याणी एक बहुत ही दुष्ट और घमंडी किस्म की औरत थी। वह हमेशा कौशल्या को बिना किसी गलती के झाड़ू या डंडे से मारा करती थी, लेकिन कौशल्या अपनी मजबूरी की वजह से हमेशा सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब कौशल्या को घर आने में देर हो जाती है तो कुसुम और अजय अपनी माँ की चिंता करने लगते हैं और कहते हैं, दीदी आज तो इतनी देर हो गई, लेकिन माँ अभी तक क्यों नहीं आई? तुम सही कह रहे हो अजय, पता नहीं आज माँ कहाँ रह गई, मुझे तो अब उनकी चिंता हो रही है। दीदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अजय तुम थोड़ा सा और इंतजार कर लो, माँ जब मुखिया जी के यहाँ से पैसे लेकर आ जाएंगी ना
तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। लेकिन दीदी, माँ तो अभी तक नहीं आई है, क्यों ना हम लोग खुद ही माँ के पास चले। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। इतना कहकर अजय और कुसुम अपनी माँ को बुलाने के लिए मुखिया जी के घर खुद ही चले जाते हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो अपनी माँ को झाड़ू से पिटता देख कर उन लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, मालकिन मैंने दूध नहीं गिराया, मैं तो यहाँ आंगन में झाड़ू मार रही थी। अरे एक तो तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया और अब ऊपर से झूठ बोल रही है। अरे अगर तू यहाँ आंगन में झाड़ू मार रही थी तो वहाँ दूध क्या अपने आप गिर जाएगा? तुझे तो इस नुकसान की सजा जरूर मिलेगी, इसलिए अब इस महीने मैं तुझे पैसा नहीं दूंगी और न ही तुझे खाने के लिए खाना दूंगी। नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं उनको कहाँ से खिलाऊंगी, मुझ पे रहम करिए मालकिन। माँ, अरे मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्यों आए? ओ माँ, हमें आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए बस आपको देखने आ गए थे। लेकिन मालकिन, आप हमारी माँ को मार क्यों रही हो? उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा तो तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है, तो क्या गलती मेरी है जो मैंने इसे काम पर रख लिया? अरे आज इसकी वजह से मेरा इतना सारा दूध बर्बाद हो गया, तो अब उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हारी माँ को ही ना करना पड़ेगा, इसलिए इसको इस महीने का कोई पैसा नहीं मिलेगा। चल अब जा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर और कल काम पर समय से आ जाना। इतना सुनकर कौशल्या अपने बच्चों के साथ रोते हुए घर आ जाती है और उस दिन उन लोगों को पानी पीकर ही अपनी रात गुजारनी पड़ती है। और वही कल्याणी अपने किए पर बहुत खुश हो रही होती है। अरे कल्याणी, तुम तो बड़ी चालाक निकली, अपने हाथों से दूध गिराकर सारा इल्जाम उस कौशल्या पर लगा दिया। तो और क्या करती मैं, मुझे तो अपने इस महीने के पैसे बचाने थे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। और वैसे भी ऐसे लोगों को काबू में करने का सिर्फ एक यही रास्ता होता है, कम से कम उन लोगों के अंदर हमारा डर तो बना रहेगा। मुखिया की बीबी और मुखिया एक नंबर के घमंडी और मक्कार इंसान थे, उन्हें उस बूढ़ी गरीब माँ और उसके बच्चों पर जरा भी तरस नहीं आता था। वे हमेशा कौशल्या के साथ ऐसा ही किया करते थे। और ऐसे ही अगले दिन जब कौशल्या वापस मुखिया के यहाँ काम करने जाती है तो उसकी आंखें पहले से ही नम हो रखी थी, लेकिन वह फिर भी चुपचाप जाकर आंगन में झाड़ू मारने लगती है। लेकिन कल पूरे दिन भूखे रहने की वजह से कौशल्या के शरीर में कमजोरी आ जाती है, इसलिए उसे काम करने में थोड़ी देर हो जाती है। लेकिन उसी समय कल्याणी वहाँ पर आ जाती है और वह फिर से कौशल्या को झाड़ू से मारने लगती है। एक तो तू इतनी कामचोर है, ऊपर से तूने मेरा ये झाड़ू भी तोड़ दिया। अरे अब कौन खरीद कर लाएगा नया झाड़ू? मालकिन, ये झाड़ू मैंने नहीं तोड़ी है, ये तो पहले से ही बहुत खराब हो रखी थी, मैंने आपको पहले बताया भी था। अरे तो तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तूने ही तोड़ी है मेरी ये नई झाड़ू, इसलिए अब जब तू मुझे नई झाड़ू नहीं लाकर दे देती तब तक तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मालकिन, झाड़ू तो बहुत महंगी आती है, मैं भला गरीब दुखियारी माँ इतनी महंगी झाड़ू कहाँ से लेकर आऊंगी? आपने तो मुझे इस महीने की पगार भी नहीं दी है। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस मेरी नई झाड़ू चाहिए, समझी? इतना सुनकर कौशल्या रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को इतना ज्यादा परेशान देखकर कुसुम और अजय भी अपनी माँ की चिंता करने लगते हैं और कहते हैं, दीदी माँ बहुत परेशान लग रही है और उनके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए हमें ही उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अजय, माँ को नई झाड़ू दिलवाने के लिए हमारे पास भी तो पैसे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? दीदी, माँ हमेशा कहती है कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान से कोई भी प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी, तो क्यों ना हम भी एक बार भगवान के पास जाकर अपनी सारी परेशानी उन्हें बताएं? हाँ, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, हमें भगवान के मंदिर में जाकर उनसे अपनी माँ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इतना बोलकर कुसुम और अजय माता रानी के मंदिर पहुँच जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हमने सुना है कि आप हमेशा सबकी इच्छाओं को पूरा करते हो, तो आज हमारी भी एक इच्छा को पूरा कर दीजिए, हमारी माँ बहुत परेशान है, आप उनके लिए
हमें एक नई झाड़ू दे दीजिए प्लीज भगवान जी, मान जाइए। हाँ भगवान जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हमारी माँ घर पर बहुत परेशान है, आप उनके लिए आप हमारी मदद कर दीजिए। उन बच्चों की बातें सुनकर भगवान वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए एक परी को भेज देते हैं और वो परी आकर उन बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने भगवान जी को सच्चे दिल से याद किया है, इसलिए भगवान जी ने तुम लोगों की मदद करने के लिए मुझे भेजा है। ये लो, ये एक जादुई झाड़ू है, यह झाड़ू तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देगी, इसलिए ये ले जाकर तुम लोग अपनी माँ को दे देना। क्या सच में? मेरी माँ बिल्कुल सच कहती थी, भगवान जी हमेशा सबकी प्रार्थना सुनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। भगवान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की बातें सुनकर परी वहाँ से मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है, जिसके बाद कुसुम और अजय वह झाड़ू ले जाकर अपनी माँ को दे देता है और उनको सारी बातें बता देता है। अपने बच्चों की बातें सुनकर कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान ने स्वयं उनके बच्चों की मदद की है। कौशल्या जब उस जादुई झाड़ू को लेकर अपने काम पर जाती है तो कल्याणी उससे कहती है, अच्छा तो ले आई तू झाड़ू, चल अच्छा ही हुआ, अब तो जल्दी से काम पर लग जा, वैसे भी कल से बहुत काम पड़ा हुआ है घर में, और हाँ जरा ध्यान से काम करना, कल यहाँ पर बहुत ही कीमती सामान आया है। जी ठीक है मालकिन। इतना कहकर कौशल्या अपने काम पर लग जाती है, लेकिन अचानक से काम करते समय कौशल्या की झाड़ू एक गुलदस्ते पर लग जाती है और वह नीचे गिरकर टूट जाती है, और यह देखकर कल्याणी के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं होता, और वह जैसे ही कौशल्या के हाथ से झाड़ू को छीनकर उसे मारने वाली होती है, वैसे ही वह जादुई झाड़ू उल्टा कल्याणी को जोर जोर से मारने लगता है, और कल्याणी अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी समय उस जादुई झाड़ू से एक आवाज आती है, अब पता चला तुझे कितना दर्द होता है, और ऐसे ही जब तुम बिना गलती के बेचारी कौशल्या को मारती रहती हो, जब तुम्हें उस पर जरा भी तरस नहीं आता, इसलिए आज पिटाई की तुम्हारी बारी है, तो बताओ तो तुम दोबारा कौशल्या को परेशान करोगी? नहीं, मैं आज के बाद कौशल्या को कभी परेशान नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे मत मारो, रुक जाओ, माफ कर दो मुझे, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। और इस तरह वह जादुई झाड़ू कल्याणी को एक अच्छा सबक सिखाती है। सुनो कौशल्या, अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें दोबारा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुम अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जी पाओगी। उस जादुई झाड़ू के इतना कहते ही उसके अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं, और यह देखकर कौशल्या को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। तभी वो जादुई झाड़ू कहता है, कौशल्या तुम परेशान मत हो, ये सारा धन अब से तुम्हारा ही है, इससे तुम अपना कोई भी व्यापार शुरू कर सकती हो और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत कर सकती हो, भगवान का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार के साथ बना रहेगा। इतना सुनकर कौशल्या मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है और उन जादुई सोने के सिक्कों को बेचकर अपना एक बड़ा सा व्यापार शुरू करती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन। जादुई कुएं का रंग बिरंगा आठ लहंगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सावित्री नाम की औरत अपनी बेटी आरती के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही गरीब थी, वे दोनों अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से बिता रहे थे। एक दिन सावित्री अपनी बेटी की शादी पक्की कर देती है और वह शादी की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अरे बहुत से काम पड़े हुए हैं, मुझे काम शुरू कर देना चाहिए, मुझे अपनी बेटी आरती के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने होंगे और जरूरी सामान भी खरीदना होगा,
इतना सोचकर सावित्री खरीदारी करने के लिए गांव के ही नजदीक शहर में चली जाती है। शहर तक जाने का रास्ता जंगल से गुजरता था। जब सावित्री जंगल से गुजर रही थी तो उसे जंगल से एक आवाज आती है। सावित्री उस आवाज को सुनकर आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वह देखती है कि एक पिंजरे के अंदर कुछ जानवर कैद हो गए हैं। अरे यह क्या, इन बेजुबान जानवरों को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। लगता है कोई शिकारी यहाँ पर अपना जाल बिछा कर गया था और ये बेचारे मासूम जानवर इस पिंजरे में फंस गए हैं। मुझे इन्हें बचाना चाहिए। हमें बाहर निकालो, एक शिकारी ने हमें इस पिंजरे में कैद कर लिया है। वह हमें मार कर खाना चाहता है। उस शिकारी ने हम सभी जानवरों को कैद कर लिया है। वह शिकारी जल्दी ही आता होगा। अगर हम इस पिंजरे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो वह शिकारी हमें किसी को बेच देगा या मार कर खा जाएगा। कृपया करके आप हमें बचा लीजिए, हम अभी मरना नहीं चाहते हैं। यह सब तो ठीक है, परंतु मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? यह पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है। इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है जिसके अंदर उस शिकारी ने ढेर सारा खजाना छुपा रखा है। उसी खजाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी भी है। तुम्हें वह चाबी लेकर आनी है और इस पिंजरे को खोलना है। यह सुनने के बाद सावित्री उस गुफा की तलाश करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सावित्री को वह गुफा दिखाई देता है। अरे लगता है यह वही गुफा है जो मुझे उस जानवर ने बताई है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर सावित्री उस गुफा के अंदर जाने लगती है और वहाँ जाकर सावित्री उस चाबी को ढूंढने लगती है। तभी सावित्री चाबी उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही उसकी नज़र बहुत ही ज्यादा कीमती खजानों के ऊपर जाती है। वहाँ पर बहुत ही कीमती कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए थे, परंतु सावित्री लालच में ना आकर केवल चाबी उठा लेती है और वह वापस से पिंजरे के पास जाती है। उसके बाद वह पिंजरा खोल देती है और फिर सभी जानवर आजाद हो जाते हैं। पिंजरे से बाहर निकलकर जानवर अपना रूप बदल लेते हैं और वह 8 परियों के रूप में बदल जाते हैं। अरे आप तो परियां हैं, मैंने आपको आजाद कर दिया, अब आप खुले आसमान में घूम सकती हैं। हाँ सावित्री, तुमने हमारी जान बचाकर एक बहुत ही नेक काम किया है। तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु भी हो, इसलिए हम तुम्हें बदले में कुछ देना चाहते हैं। तुमने हम 8 परियों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें 8 जादुई लहंगे देते हैं। तुम्हें इन 8 जादुई लहंगों को गांव वालों की नजरों से बचाकर रखना होगा। अगर किसी को इस लहंगे के बारे में पता चल गया तो इस लहंगे का जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन परी जी, मैं इन 8 लहंगों को भला कहां पर रखूंगी? सावित्री, तुम्हें लहंगे को छुपाकर रखना होगा। तुम्हारे घर के बाहर जो बहुत पुराना कुआं है, उस कुएं के अंदर तुम ये 8 लहंगों को डाल देना और तुम्हें जब भी किसी मदद की आवश्यकता होगी तो तुम कुएं में आवाज देना, ये लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद परी सावित्री को 8 लहंगे दे देती है। सावित्री उन सारे लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद सावित्री ये सारी बातें अपनी बेटी को बताती है। उसके बाद सावित्री उन सारे लहंगे को परी के बताए अनुसार पास के ही कुएं में डाल देती है। अब इन लहंगों को कोई खतरा नहीं है, किसी को इन लहंगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस तरह वे 8 लहंगे उस कुएं के अंदर सुरक्षित हो जाते हैं और दूसरी तरफ सावित्री अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन एक दिन बहुत ही तेज आंधी तूफान आता है जिसमें सावित्री की झोपड़ी टूट जाती है और दोनों माँ बेटी घर से बेघर हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरा घर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगी, अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी? अपने घर को टूटा हुआ देखकर दोनों माँ बेटी को बहुत ही दुख होता है और दोनों रोने लगती है। रोते रोते सावित्री के मन में ख्याल आता है कि उस परी के दिए हुए जादुई लहंगे से उसे इस समय मदद मांगनी होगी क्योंकि उसे मदद की बहुत ही आवश्यकता होती है। सावित्री उस कुएं के पास जाती है
और उस लहंगे से अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसके बाद लहंगे से आवाज आती है। सावित्री, हमारे रहते हुए तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस समय पैसों की आवश्यकता है ना? हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देते हैं, ये लो पैसे। लहंगे के इतना बोलते ही एक लहंगा कुएं से ऊपर आकर ढेर सारे पैसे प्रकट कर देता है और सावित्री उन पैसों को लेकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसा चमत्कार सावित्री और उसकी बेटी ने आज तक कभी नहीं देखा था। इसके बाद वह लहंगा फिर से कुएं के अंदर चला जाता है। अरे वाह माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए। अब हम इन पैसों से अपने लिए सुंदर सा घर खरीद सकते हैं। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें जल्दी से एक नया घर खरीद लेनी चाहिए। उसके बाद सावित्री उन पैसों से अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेती है। घर खरीदने की बात सावित्री की देवरानी को जब पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे, कल तक तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इन्होंने रहने के लिए इतना बड़ा घर खरीद लिया। मुझे तो पता लगाना ही होगा कि आखिर सावित्री रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई। कल तक तो इनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था और आज ये लोगों में पैसे बांट रहे हैं। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। और उस दिन के बाद से सावित्री की देवरानी सावित्री के ऊपर नजर रखने लगती है। सावित्री जहाँ भी जाती उसकी देवरानी चुपके चुपके उसका पीछा करती है। एक दिन सावित्री कुएं के पास जाती है और कुएं से कहती है, हे जादुई कुआं, मैं गरीब लोगों की दुखों को दूर करना चाहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी मदद की है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी तरह बाकी के और भी गरीब लोगों की मदद कर सकूँ। इसलिए आप मुझे कुछ और पैसे दे दें ताकि मैं और गरीब लोगों की जरूरत को पूरा कर सकूँ। सावित्री के ऐसा कहते ही कुएं से सारे जादुई लहंगे बाहर आ जाते हैं और वे सारे लहंगे मिलकर सावित्री को बहुत सारे पैसे देते हैं। तुम लहंगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन पैसों की मदद से और भी जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। इसके बाद वे सारे लहंगे वापस से कुएं के अंदर चले जाते हैं। सावित्री की देवरानी दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, सावित्री इस तरह रातों रात अमीर हो गई है। इस कुएं का लहंगा इस सावित्री को पैसे देती है। मुझे किसी भी तरह इस कुएं से इस जादुई लहंगे को निकालना होगा, उसके बाद मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसके बाद सावित्री की देवरानी रात होने का इंतजार करने लगती है और रात होते ही वह दबे पांव सावित्री के घर के पास पहुंच जाती है और कुएं के अंदर सीढ़ियों की सहायता से पहुंच जाती है। ये लालची औरत हमें यहाँ से लेने आई है, हमें इसे सबक सिखाना ही चाहिए। इसके बाद वे सारे लहंगे आपस में बिजली प्रकट करती है और सारे बिजली उस लालची औरत के ऊपर छोड़ देती है। हाय राम, मर गई रे, मर गई, कोई तो मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई है जो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचा लो, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी, बचाओ बचाओ। बिजली के काफी सारे झटके खाने के बाद वह औरत कुएं से बाहर निकलती है और दुम दबाकर वहां से अपने घर चली जाती है। उसके बाद सावित्री की देवरानी उस लहंगे को चुराने के बारे में फिर कभी सोचती तक नहीं है। इधर सावित्री उस जादुई लहंगों की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।